तो आगे के टॉपिक आपके 90% क्या हो जाएंगे बेटा, क्लियर हो जाएंगे। बफर सिस्टम क्या होता है, पीएच को बैलेंस में रखने का काम करता है। पीएच रेगुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड बफर सिस्टम, राइट। अगर पीएच बढ़ रहा है तो ये पीएच को क्या कर देता है बेटा, घटा के नॉर्मल कर देता है। अगर पीएच घट रहा है तो पीएच को बढ़ाकर क्या कर देता है, नॉर्मल में ला देता है। पीएच को बैलेंस में रखने का काम जो सिस्टम करता है, जो रेगुलेटरी सिस्टम करता है, उसको बफर सिस्टम कहते हैं। बफर एक लाइन लिख लो, पीएच को पीएच मेंटेन, पीएच मेंटेन, राइट। पीएच को क्या करता है, मेंटेन करता है, पीएच को एक बैलेंस में रखने का काम करता है, ठीक है। इसके बाद टाइप्स ऑफ बफर सिस्टम की हम बात करें, टाइप्स ऑफ बफर सिस्टम, ये क्वेश्चन आता है यहां से। टाइप्स ऑफ बफर सिस्टम की बात करें, 4 टाइप्स के बफर सिस्टम होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप के बफर सिस्टम होते हैं। नंबर वन को हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन बफर सिस्टम, क्या बोलेंगे, हीमोग्लोबिन बफर सिस्टम। नंबर टू को बोलते हैं प्लाज्मा प्रोटीन बफर सिस्टम, राइट। थर्ड को हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, ये थर्ड होता है। और फोर्थ को हम बोलते हैं फॉस्फेट बफर सिस्टम। फोर्थ को क्या बोलेंगे, फॉस्फेट बफर सिस्टम बोलेंगे, यही था, फॉस्फेट बफर सिस्टम। फोर्थ फॉस्फेट बफर सिस्टम। अब देखो इधर, बफर सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, टोटल 4 टाइप्स के होते हैं। बफर सिस्टम कितने टाइप के, 4 टाइप्स के। अब कैसे याद रखेंगे शॉर्ट में, एचपी बफर सिस्टम, राइट, पीपी बफर सिस्टम, पीपी एचपी बफर सिस्टम, पीपी बफर सिस्टम, सीबी बफर सिस्टम, राइट, और पीबी बफर सिस्टम। शॉर्ट में याद रहेगा, एचपी पीपी सीबी पीबी। एचपी मतलब हीमोग्लोबिन, एचपी मतलब हीमोग्लोबिन, पीपी मींस प्लाज्मा प्रोटीन बफर सिस्टम, सीबी मतलब कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, फॉस्फेट बफर सिस्टम, राइट। क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको क्या रखना है, इनको याद रखना है, राइट। अब मैं बात करता हूं कि हीमोग्लोबिन बफर सिस्टम क्या होता है। हीमोग्लोबिन पीएच में हो बैलेंस में रखने का काम करती है, जो पीएच होता है उसको बैलेंस में क्या करती है बेटा, रखने का काम करती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बफर सिस्टम बोलते हैं। इधर देखो, पीएच को कैसे काम रखती है, मान लीजिएगा ब्लड के अंदर, ये क्या है, ब्लड वेजल्स है, क्या है, ब्लड वेजल्स, राइट। इस ब्लड वेजल्स के अंदर क्या भरा हुआ है, ब्लड भरा हुआ है, ये क्या है, ब्लड भरा हुआ है, राइट। और ब्लड को हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के नाम से जानते हैं, राइट। और इस ब्लड के अंदर क्या होती है, सेल प्रेजेंट होती है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ आरबीसी की बात करेंगे, बिकॉज आरबीसी यहाँ पर क्या होती है, मेन रेस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, बफर सिस्टम के लिए। क्यों होती है, क्योंकि 280 मिलियन ऑफ हीमोग्लोबिन, 280 मिलियन ऑफ हीमोग्लोबिन मिलकर एक आरबीसी का निर्माण करती है, राइट। ये क्या है, ब्लड वेजल्स, दिखाई दे रहा है कि नहीं मयूरी, ये क्या है, ब्लड वेजल्स, ठीक है। अब ये क्या है, आरबीसी, और आरबीसी कितने सेल से मिलकर बनी होती है, यानी कि 280 मिलियन ऑफ हीमोग्लोबिन से मिलकर बनी होती है। अगर इसके अंदर देखो, अगर इसकी पीएच देख रहे हो, इस ब्लड की पीएच कितनी है, लेस देन 7.31 है, लेस देन 7. क्या है, 3.31 है, तो इसको बोलते हैं एसिडिक पीएच,
क्या बोलेंगे, एसिडिक पीएच बोलेंगे। अगर ब्लड की पीएच कितनी है ग्रेटर देन 7.45 से ज्यादा है तो इस पीएच को बोलते हैं बेसिक पीएच। क्या बोलेंगे, बेसिक पीएच बोलेंगे। एक को एसिडिक पीएच बोलेंगे तो दूसरे को क्या बोलेंगे, बेसिक पीएच, राइट। अब कंडीशन यहाँ देखो, एसिडिक कंडीशन है तो ये क्या है आरबीसी। मान लीजिएगा ये सेल निकाल कर मैंने यहाँ रख दी, ये क्या है आरबीसी। अब आरबीसी क्या करेगा, जब एसिड, एसिड क्यों बढ़ता है देखो, जब बॉडी में हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे तो बेटा क्या बढ़ेगा, पीएच घटेगा, राइट। जब बॉडी में क्लोराइड क्या होगा बढ़ेगा तो पीएच क्या होगा घटेगा, पीएच क्या होगा घटेगा। जब बॉडी में बाइकार्बोनेट बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा बाइकार्बोनेट, HCO3 माइनस बढ़ेगा तो पीएच भी क्या होगा बढ़ेगा, राइट। अब इधर देखो कि हीमोग्लोबिन क्या करता है कि जब एसिडिक कंडीशन होती है इसके ब्लड के अंदर तो ये क्या करता है कि शिफ्ट कर देता है, क्लोराइड बाहर होता है ब्लड में, वह कहां चले जाते हैं सेल के अंदर, कहां चले जाते हैं आरबीसी के अंदर, और आरबीसी के अंदर जो बाइकार्बोनेट होता है HCO3 माइनस होता है ये कहां जाते हैं बाहर, ये तो कहां चले जाते हैं इन, और ये कहां जाते हैं आउट। तो अब ये देखो इसका तो लेवल क्या हो जाएगा कम, इसका लेवल क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। जैसे बाइकार्बोनेट का लेवल बढ़ेगा वैसे पीएच भी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, पीएच बढ़ जाएगी, और इसका लेवल क्या होगा बेटा डिक्रीज क्लोराइड का, तो पीएच क्या हो जाएगी इंक्रीज, राइट। तो ऐसे ही कंडीशन वापस कैसे हो जाएगी न्यूट्रल्स, यहाँ पे समझ में आया वापस कैसे हो जाएगी न्यूट्रल्स। अब इधर आ जाओ, अगर ब्लड की पीएच कैसी है, बेसिक है एल्केनिटी है, तो इसमें जो हीमोग्लोबिन है आरबीसी मान लीजिएगा, ये आरबीसी ये क्या करती है कि अंदर कर देती है किसको HCO3 माइनस, ब्लड से आरबीसी के अंदर डाल देती है किसको बाइकार्बोनेट को, और बाहर निकाल देती है बेटा किसको क्लोराइड को। जैसे क्लोराइड बाहर निकलता है तो क्लोराइड का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तो क्या हो जाता है आउट, उल्टा हो गया ना बेटा, ये क्या हो जाता है इन, तो क्लोराइड का लेवल क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, इसका लेवल क्या हो जाएगा कम। जैसे ही इसका लेवल डिक्रीज होगा, बाइकार्बोनेट का लेवल डिक्रीज होगा, वैसे ही पीएच क्या हो जाएगी डिक्रीज। यहाँ पीएच बढ़ी हुई थी तो कम हो गई, किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो बाइकार्बोनेट है वो कहाँ चले गए अंदर, और बाहर कौन आ गया क्लोराइड, तो इसकी वजह से क्या हो जाती है बेटा पीएच वापस क्या हो जाएगी ज्यादा से कम हो जाएगी, मतलब नॉर्मल में आ जाएगी। ये तो है किसका, एचबी बफर सिस्टम का, हीमोग्लोबिन बफर सिस्टम का। अब इसके बाद सेकंड देखो, प्लाज्मा प्रोटीन बफर सिस्टम। प्लाज्मा प्रोटीन बफर सिस्टम की बात करें भाई, मान लीजिएगा ये क्या है ब्लड वेजल्स, क्या है ब्लड वेजल्स है, राइट, ये क्या है ब्लड वेजल्स है, ठीक है। इस ब्लड वेजल्स के अंदर क्या भरा हुआ है, ब्लड भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है ब्लड भरा हुआ है, समझना, क्योंकि चार्ट बनाना है आपको, इसलिए मैं डायग्राम से समझा रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी डायग्राम से भी पूछ लिया जाता है कंडीशन कैसी होगी। अब इधर देखो इसके अंदर क्या है आरबीसी है, इसके अंदर क्या है आरबीसी है। चलो अब यहाँ पे आरबीसी का काम नहीं है, प्लाज्मा प्रोटीन की बात कर रहा हूँ ना मैं, देखो प्लाज्मा प्रोटीन बफर सिस्टम की बात कर रहा हूँ, तो आरबीसी लिखने से फायदा नहीं है, यानी कि इसके अंदर ब्लड के अंदर अगर मैं कंपोजिशन की बात करता हूँ कि ब्लड के अंदर यानी कि 45% तो क्या होती है ब्लड सेल्स होती है, ब्लड सेल्स होती है, राइट, और 55% क्या होती है प्लाज्मा होता है, क्या होता है प्लाज्मा होता है, राइट। और इस प्लाज्मा के अंदर तीन टाइप की क्या प्रेजेंट होती है, इस प्लाज्मा के अंदर तीन टाइप की क्या होती है प्रोटीन प्रेजेंट होती है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिंस और फिब्रिनोजेंस। तीन टाइप की क्या होती है प्रोटीन प्रेजेंट होती है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजेंस। अब इधर देखो यहाँ पर दो प्रोटीन क्या करती है बफर सिस्टम का काम करते हैं किसके अंदर ब्लड के अंदर, इसीलिए ये दो प्रोटीन एल्बुमिन और ग्लोबुलिन इन दोनों इन तीनों प्रोटीन को बोलते हैं प्लाज्मा प्रोटीन, क्या बोलेंगे प्लाज्मा प्रोटीन। ये बॉडी के अंदर पीएच को क्या करती है बैलेंस में रखने का काम करती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा प्रोटीन बफर सिस्टम।
इंपॉर्टेंट है, ये पीएच को कैसे रेगुलेट करती है। देखो यहां लिख रहा हूं एल्बुमिन, एल्बुमिन ऑपरेट, एल्बुमिन ऑपरेट, या फिर लिख लो इस प्रकार से लिख सकते हो, एक सेंटेंस अगर मैं पूरा बनाऊं, इट ऑपरेट, इट ऑपरेट बाय एल्बुमिन, इट ऑपरेट बाय एल्बुमिन, इसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है, एल्बुमिन के द्वारा ऑपरेट किया जाता है बाय एल्बुमिन प्रोटीन, बाय एल्बुमिन, एल्बुमिन प्रोटीन, एल्बुमिन प्रोटीन इन प्लाज्मा। ये जो प्लाज्मा, ये वाटर है, इस प्लाज्मा मतलब प्लाज्मा को बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर जो पीएच होती है, उस पीएच को बैलेंस में रखने का काम कौन करती है, एल्बुमिन प्रोटीन करती है। कौन सी प्रोटीन करेगी, एल्बुमिन प्रोटीन करती है बेटा, ये ऑपरेट करती है, राइट। एंड सेकंड अगर मैं बात करूं, सेकंड प्रोटीन है कौन सी, ग्लोबुलिन, इट ऑपरेट, यहां लिख रहा हूं इट ऑपरेट बाय ग्लोबुलिन, इट ऑपरेट बाय ग्लोबुलिन इन, मतलब ये तो एक तो करेगी किसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर, और दूसरी करेगी किसके अंदर, आरबीसी के अंदर, दूसरी किसके अंदर करेगी, आरबीसी, इन आरबीसी सेल, एक तो प्लाज्मा इसके अंदर करेगी आरबीसी के अंदर, और दूसरी किसी के अंदर करेगी, फ्लूइड के अंदर ऑपरेट करने का काम करेगी। ये दोनों पीएच को क्या करती है बेटा, एक्सचेंज करने का काम करती है। अब इधर देखो, इधर देखो, अगर इस प्लाज्मा की, इस प्लाज्मा, प्लाज्मा की जो पीएच है वो कितनी हो जाए, लेस देन 7.31, तो इस पीएच को हम क्या बोलते हैं, एसिडिक पीएच, एसिडो, एसिडोसिस बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, एसिडोसिस। अब इस एसिडोसिस हो रहा है, पीएच क्या हो रही है, घट रही है, तो ये प्लाज्मा प्रोटीन बफर सिस्टम कैसे पीएच को बेटा इंक्रीज करके नॉर्मल में लाएगा, क्योंकि नॉर्मल जो पीएच होती है ब्लड की, नॉर्मल पीएच होती है 7.35, कौन से ब्लड की, आर्टेरियल ब्लड की, कितना होगा 7.35 से लेके 7.45 होती है आर्टेरियल ब्लड की पीएच, राइट। अगर वेन्यूल्स ब्लड की पीएच की हम बात करें, इसकी पीएच होती है 7.31 से लेके 7.41 होती है, अब ये कम किससे हो रही है, 7.31 से, तो क्या बोलेंगे इसको, एसिडोसिस। अब एसिडोसिस हो रहा है, तो अब एसिडोसिस को क्या करना है, ओवरकम करना है, न्यूट्रल में लाना है, तो कैसे, प्लाज्मा प्रोटीन इसको न्यूट्रल करने का काम करती है, राइट। अब इधर देखो, ये पीएच क्यों करती है, देखो मैंने पहले भी कहा था कि अगर ब्लड के अंदर, प्लाज्मा के अंदर एक्सेसिव अमाउंट में क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, तो पीएच क्या होगी बेटा, डिक्रीज, यानी कि एसिडोसिस होगी। अब इसी हाइड्रोजन आयन को क्या करना है, कम करना है, जैसे हाइड्रोजन आयन कम हो जाएंगे वैसे पीएच क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, पीएच क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। तो इधर देखो, ये ब्लड के अंदर ये आरबीसी है, मान लीजिएगा मैंने यहाँ आरबीसी बना ली, राइट। अब ये इस आरबीसी के चारों ओर क्या है, ब्लड प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, ब्लड प्रेजेंट है, और इस ब्लड में हाइड्रोजन आयन क्या है बेटा, ज्यादा है, जिसकी वजह से पीएच क्या हो रही है, नेगेटिव में जा रही है, यानी कि एसिडिक पीएच हो रही है। अब ये क्या करेगा, जो एल्बुमिन प्रोटीन है, इस हाइड्रोजन आयन को, जो एल्बुमिन प्रोटीन है, इस हाइड्रोजन आयन को प्लाज्मा से उठाएगा और किसके अंदर शिफ्ट कर देगा, सेल के अंदर डाल देगा, कहां डाल देगा, सेल के अंदर, और इधर से निकाल देगा बेटा क्या, HCO3-, या फिर नहीं निकालेगा तो यह हाइड्रोजन को किसको दे देगा, हाइड्रोजन को हीमोग्लोबिन को दे देगा, हाइड्रोजन को किसको दे देगा, हीमोग्लोबिन को, और हाइड्रोजन किसे मिल जाएगा, हीमोग्लोबिन से, हीमोग्लोबिन से मिलने के बाद हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगी बेटा, मोर डिसॉल्व हो जाएगी, और उसके बाद ये क्या करेगा कि हीमोग्लोबिन जो CO2 है उसको एक्सेसिव अमाउंट में बाहर निकालेगा, और ऑक्सीजन को क्या करेगा बेटा, एक्सेसिव अमाउंट में
सर्कुलेट करेगा, क्योंकि गैसेस जो बाइंड होती है वो किसके साथ होती है, CO, इसके एचबी के साथ, ऑक्सीजन बाइंड हुआ एचबी के साथ क्या बोलेंगे ऑक्सीमोग्लोबिन, CO2 बाइंड हुआ किसके साथ हीमोग्लोबिन के साथ, तो कार्बो एमाइनो हीमोग्लोबिन के नाम से जानेंगे। तो इधर देखो जैसे हाइड्रोजन आयन अंदर गए शिफ्ट हो गए शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन क्या हो जाएंगे ब्लड के अंदर डिक्रीज हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे तो पीएच क्या हो जाएगी इंक्रीज, तो यहाँ पे पीएच क्या हो जाएगी वापस न्यूट्रल हो जाएगी, राइट क्या हो जाएगी वापस न्यूट्रल हो जाएगी। अगर कंडीशन कैसी हो एल्कलोसिस कंडीशन हो, मान लो ये तो किसकी थी एसिडोसिस की, अब कंडीशन कैसी हो एल्केलोसिस हो, अब पीएच क्या हो रही है यहाँ पे ज्यादा हो रही है, पीएच क्या हो रही है ज्यादा हो रही है और हाइड्रोजन आयन क्या हो रहे हैं बेटा कम, तो यहाँ से सेल से क्या हो जाएंगे हाइड्रोजन आयन बाहर आ जाएंगे, क्या जाएंगे हाइड्रोजन आयन बाहर आ जाएंगे, जैसे हाइड्रोजन आयन यहाँ बढ़ने लगेंगे पीएच क्या होने लगेगी कम और कहाँ जाएगी नॉर्मल पे। तो इस प्रकार से यह बफर सिस्टम क्या करता है काम करता है, राइट। देन उसके बाद आता है कार्बोनिक, वो वहां पे कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, ये भी क्या होता है इंपॉर्टेंट बफर सिस्टम होता है। इधर देखो आप इसको मैं इधर समझा देता हूँ एक फॉर्मूला से कि इसका जो बाइकार्बोनिक एसिड होता है ये वीक एसिड होता है, सॉरी क्या होता है वीक, यहां लिख रहा हूं ये क्या होता है वीक एसिड होता है और ये क्या होता है वीक वीक बेस होता है, वीक क्या होता है बेस होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है H2CO3 माइनस, इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है HCO3 माइनस, राइट। अब इधर देखो अगर ब्लड में, मैंने पहले कहा था अगर ब्लड में हाइड्रोजन आयन ज्यादा बढ़ेंगे तो पीएच क्या हो जाएगी घट जाएगी, तो सिंपल बात है यहाँ पर समझो मैं आपको यहाँ समझाता हूँ इसको बफर सिस्टम, कहाँ समझाता हूँ यहाँ समझाता हूँ देखो तो पीएच क्या होती है घटती है, जब ब्लड में एच प्लस आयन घटते हैं तो पीएच क्या होती है बढ़ती है। अब मान लीजिएगा कंडीशन हो रही है बॉडी में कैसे एसिडोसिस, यानी कि एसिड बढ़ा हुआ है, अब एसिड बढ़ा हुआ है तो ये कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम कैसे इस एसिडोसिस को ओवरकम करके न्यूट्रल में कंडीशन में लाएंगे। तो इधर देखो एसिडोसिस बढ़ा हुआ है तो हाइड्रोजन आयन क्या होंगे बेटा यहाँ पे इंक्रीज, हाइड्रोजन आयन क्या होंगे इंक्रीज होंगे, तो यहाँ पर ब्लड के अंदर एक क्या होता है बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होता है जिसका फॉर्मूला होता है एच CO3 माइनस, राइट। ये आपस में क्या करते हैं रिएक्ट करते हैं और बना लेते हैं H2CO3 माइनस, तो हाइड्रोजन की तुलना में जो ये बना है कार्बोनिक एसिड बोलते हैं इसको, देखो ये फॉर्मूला सेम आ रहा है ना H2CO3 माइनस, यहाँ पर भी क्या हो गया H2CO3 माइनस, इसको हम क्या बोलते हैं वीक बेस वीक एसिड बोलते हैं, राइट। वीक एसिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि हाइड्रोजन की तुलना में काफी वीक होता है, इसलिए पीएच क्या हो जाएगी बेटा इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज होगी तो न्यूट्रल कंडीशन में आ जाएगी। अगर एल्केलोसिस हो पीएच बढ़ी हुई हो क्या हो एल्केलोसिस, एल्केलोसिस हो हम यहाँ एल्केलोसिस में क्या होगा जो हाइड्रोजन आयन है वो हाइड्रोजन आयन का लेवल क्या होगा कम डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा और पीएच क्या होगा यहाँ पे बढ़ी हुई है। अब ये सिस्टम कैसे काम करेगा देखो इधर, यानी कि ये वाला जो पार्ट है बाइकार्बोनिक एसिड H2CO3- जो H2CO3- है ये वापस क्या हो जाएगा बेटा ब्लड में टूट जाएगा, टूटने के बाद क्या बनाएगा H+ H रिलीज करेगा प्लस क्या बनाएगा HCO3- हाइड्रोजन प्लस बाइकार्बोनेट बनाएगा, तो बाइकार्बोनेट बनाएगा तो क्या बढ़ जाएगा बेटा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जैसे इंक्रीज होंगे पीएच वैसे क्या हो जाएगी डिक्रीज और वापस कैसे आ जाएगी न्यूट्रल, राइट। ठीक इसी प्रकार से जो फॉस्फेट बफर सिस्टम होता है वो भी इसी सिद्धांत पे क्या करता है बेटा काम करता है, जो फॉस्फेट होता है वो भी इसी सिद्धांत में क्या करता है काम करता है। देखो इधर अब इस फॉस्फेट को मैं यहां समझाता हूं आपको,
नहीं समझ लो, जो फॉस्फेट होता है इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है H3O4-। ये क्या होता है? फॉस्फेट। इसको बोलते हैं मोनोहाइड्रोफॉस्फेट, राइट? क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रोफॉस्फेट। अब इधर देखो कि जो सॉल्यूशन OH ग्रुप को एड करता है उसको क्या बोलते हैं? बेस। और जो सॉल्यूशन हाइड्रोजन आयन को एड करता है उसको क्या बोलते हैं? एसिड। हाइड्रोजन आयन को रखने वाला जिसकी कंटेंट पे हाइड्रोजन आयन होते हैं वो एसिड होते हैं, जिसके पास हाइड्रोजन आयन नहीं होता है वो बेस होता है, जिसके पास हाइड्रोक्साइड कंटेंट होता है वो बेस होता है, जिसके पास हाइड्रोक्साइड कंटेंट नहीं होता है वो एसिड होता है। अब देखो, अब पीएच बढ़ा हुआ है तो पीएच को कैसे कम करना है, और पीएच घटा हुआ है तो कैसे पीएच को बढ़ाना है। इसीलिए ये क्या करता है, पीएच घटा हुआ है तो बढ़ा देता है, पीएच बढ़ा हुआ है तो घटा देता है, इसलिए इसको बफर सिस्टम बोलते हैं। और काम कौन करता है? फॉस्फेट। इसलिए फॉस्फेट बफर सिस्टम के नाम से इसे जानते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ। मयूरी आप स्क्रीन शॉट ले लो। सर ये नोट है ना सर? ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ समझा देता हूँ। फॉस्फेट फॉस्फेट कंडीशन, अगर कंडीशन क्या हो रही है, फॉस्फेट ये फॉस्फेट राइट, कंडीशन क्या हो रही है? एल्केलोसिस, एल्केलोसिस हो रही है, एल्केलोसिस हो रही है। क्या हो रही है कंडीशन? एल्केलोसिस हो रही है राइट, एल्केलोसिस कंडीशन हो रही है। अब एल्केलोसिस कंडीशन में देखो, एल्केलोसिस कंडीशन, एल्केलोसिस कंडीशन में क्या होता है? एल्केलोसिस, एल्केलोसिस कंडीशन में हमेशा जो OH ग्रुप होता है ये ज्यादा होता है राइट, और हाइड्रोजन जो ग्रुप होता है, हाइड्रोजन जो आयन होते हैं वो कम होता है, इसलिए कंडीशन क्या आ जाती है? एल्केलोसिस। अब एल्केलोसिस कंडीशन है तो यहाँ पे ज्यादा क्या है? OH। क्या है? OH। अब इस OH को कैसे कम करना है और कैसे एसिडिक कंडीशन में लाना है, तो इधर देखो ये OH बाइंड हो जाता है किसके साथ? H2PO4- जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, ये मोनो हाइड्रोफॉस्फेट, मोनो हाइड्रोजन फॉस्फेट है, या डाई हाइड्रोजन, बिकॉज दो हाइड्रोजन है तो डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट है, या आपस में रिएक्शन करते हैं। इधर देखो एक एच इधर है और दो इधर, दो एच इधर है राइट, तो इस प्रकार से रिएक्शन करेंगे, ये 2H, देख रहे हो आप, ये 2H, ये जो 2H है राइट, और इधर का क्या है? O, तो यहां लिख दो H2O, एक तो जल बना लेगा और दूसरा क्या बना लेगा? एक H इधर है, एक इधर PO4 है, आ जाएगा हाइड्रोजन मोनोहाइड्रोफॉस्फेट। ये क्या बन गया? बीक एसिड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बीक एसिड राइट, क्या बोलेंगे इसको? बीक एसिड बोलेंगे। यहां तक आपको समझ में आ गया? जी सर। राइट, सॉरी बीक एसिड नहीं, बीक बेस बोलेंगे इसको। एच अगर इसके पूछे, एच हाइड्रोजन सिंगल है, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन टू हो जाए तो क्या हो जाएगा? वीक एसिड। अभी क्या है? वीक बेस है। अब इधर देखो ये क्या हो गया बेटा? कम जल बन गया, बना कि नहीं बना। अब इसके बाद इस जो बेस स्ट्रॉन्ग था, ये स्ट्रॉन्ग था, इसका लेवल क्या हो गया? कम। ये कन्वर्ट हो गया इसमें, तो इसका लेवल जब कम होगा तो पीएच किधर आ जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज हो जाएगी तो क्या हो जाएगी बेटा? नॉर्मल में आ जाएगी राइट, क्योंकि इसकी वजह से पीएच बढ़ा हुआ था, इसको हटाना था, इसको हटा दिया क्योंकि कन्वर्ट कर दिया, वाटर बन गया और क्या बन गया? बीक बेस। ये स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस को हमने क्या कर दिया? बीक बेस में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए पीएच क्या हो जाएगी? कम। अगर कंडीशन क्या हो? कंडीशन एसिडोसिस हो, एसिडोसिस कंडीशन हो, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन क्या होंगे? ज्यादा। हाइड्रोजन आयन क्या होंगे? ज्यादा। जब हाइड्रोजन आयन ज्यादा होगा तो इसमें काम करेगा बेटा कौन? बीक बेस। ये देखो ये क्या है? बीक बेस। अब ये रिएक्शन करके क्या बना लेगा? ये हाइड्रोजन यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? H2, और क्या बन जाएगा? PO4-। इसको बोलते हैं बीक एसिड,
बेस एसिड, इसकी वजह से पीएच